सभी पेरेंट्स को नमस्ते। हम लोग आज क्लास फोर का हिंदी डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऐसा करने के लिए तरुवर, ये एक पोयम है। यहाँ देखिए फोर फोर लाइंस करके डिवीज़न किया हुआ है, तो ये 12 लाइन उन लोगों को लर्न करना है। फिर उसके बाद है जैसे लिटरेचर और लैंग्वेज में मैं बार बार बता रही हूँ, सारे वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ उन लोगों को लर्न करना है। फिर ये चैप्टर नहीं करना, चैप्टर 9 करना है बन देवी की प्रार्थना। उन लोगों को हार्ड वर्ड करना है, जैसे यहाँ जो है तलहटी, विचार, निश्चय, स्तंभ, विशाल, वृक्ष, पहाड़ियों, चीड़, देवदार, वृक्ष, सुगंधित, महिवान, प्रधानमंत्री, उन्होंने, इस तरीके से आपको हार्ड वर्ड मार्क करना है। यहाँ जैसे रेड वाले है कारिंदी, सदियों, वेदनापूर्ण, निद्रामग्न, परिधान, दिव्य, मूर्ति, प्रकट, क्षेत्र, सैकड़ों, राजन। देखिए इसमें ये आधा ना जो लास्ट वाले में नहीं लिखा जाता, इसके नीचे हलंत लगाया जाता है, तो ये वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आपको हार्ड वर्ड मार्क करना है अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट एबिलिटी, एंड शब्दार्थ जो है वो पूरे लर्न करने हैं। उसके बाद है शादी का स्वप्न, इसमें यहाँ जो वर्ड दिए हैं वो करना है। उसके बाद आपको ये सारे आपके बच्चे की कैपेबिलिटी, जैसे पालन पोषण हो गया, कर्तव्य हो गया, समस्ती, इच्छा, निगाहें, चांद, अचानक, मुश्किल, कोशिश, बेबसी, अम्मी, दिव्य प्रकाश, जूते, इच्छाओं, मृत्यु, व्यक्ति, देवदूत, आलीशान, संपत्ति, व्यर्थ, गिरगिराते, प्रार्थना, देवदूत तो हो चुका है पहले से उन लोगों का, मुड़ा, अम्मी, फिर यहाँ है उसको शब्दार्थ जो है वो पूरा लर्न करना है। संगठन की शक्ति, संगठन की शक्ति, इसमें बच्चे जो हैं वो सेंस ऑर्गन्स के बारे में दिया हुआ है कि ये अलग अलग है तो इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, पर एक बॉडी में मिल जाने के बाद क्या होता है कि ये लोग एक पूरा कंप्लीट बॉडी होते हैं। इनका अलग 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 फंक्शन होता है, उन फंक्शंस का आपस में कुछ एक इंपॉर्टेंस होता है और वो सारे फंक्शन मिला के मनुष्य एक किसी काम को अंजाम देता है। तो ये सारे हार्ड वर्ड आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद इससे दो चीज़ें हो रही है, साइंस भी पढ़ रहे हैं कि सारे अंगों की हमारे लाइफ में क्या महत्व है, और शब्दार्थ आप लोगों को इसमें पढ़ना है। फिर है आपका नेक्स्ट चैप्टर बुद्धिमान कौन, इसमें भी सेम है, अभिमान, सामान्य बुद्धि, विद्या, पुनर्जीवित, अस्थि पंजर, सारे आपको हार्ड वर्ड यहाँ रेड वर्ड जैसे चमत्कार, शास्त्रों, अति आवश्यक, अन्यथा, विनाश, विद्या, चमत्कार, परिणाम, जीवित, ये सारे वर्डों को आप लोगों को लर्न करना है और शब्दार्थ आप लोगों को लर्न करना है। फिर अमृतवाणी, अमृतवाणी के मिनिमम उन लोगों को 4 दोहे लर्न करने हैं। ये 4 दोहे अलग अलग, जैसे सेपरेट एक दोहा एक को, गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो इस दोहे का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग है और ये आपका अलग है, तो ये दोनों मिला के एक दोहा बनता है। तो ऐसे पर्टिकुलरली मैंने 4 दिया है, ये यहाँ पे 7 है, 7 में से इफ़ एनी 4 उन लोगों को कोई भी लर्न करना है और इसके शब्दार्थ करने हैं। तो ये आपका हो गया लिटरेचर, उन लोगों का कंप्लीट हो गया। लैंग्वेज में है उन लोगों को विशेषण करना है और क्रिया करना है और शब्द भंडार में से करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग विशेषण बताते हैं। हम लोग सभी जानते हैं विशेषण का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति वस्तु की खासियत को बताने, गुण या अवगुण कुछ भी हो उसको बताने वाले को हम लोग विशेषण कहते हैं। और विशेषण के, क्योंकि ये लोग क्लास 4 के स्टूडेंट हैं, तो विशेषण की भेदों के नाम भी उन लोगों को पढ़ने हैं और उसका एक एक उदाहरण भी पढ़ना है। यह विशेषण की परिभाषा, यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। विशेषण के भेद 4 भेद हैं, चारों भेदों के नाम उदाहरण के साथ आपको पढ़ना है। फिर है क्रिया, हम लोग जो कोई भी काम करते हैं ये डेफिनेशन वो क्रिया कहलाता है। क्रिया के यहाँ मिनिमम आपको 3 उदाहरण दिए, 3 या 4 ऐसे शॉर्ट में, पीना, रोना, सोना, बोलना, कुछ भी, ये सारे ही हमारे क्रियाएँ नहीं, हमारे द्वारा किए गए काम हैं। इसके मेन दो भाग हैं, सकर्मक और अकर्मक, इसके उदाहरण सहित आप लोगों को पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग मुहावरे,
मुहावरे में यहाँ से उन लोगों को 9 to 16 पूरा लर्न करना है और इसमें से 1 to 5 लर्न करना है। शब्द भंडार में आते हैं हम लोग, पर्यायवाची में ये पूरा चार्ट उन लोगों को लर्न करना है दो दो शब्द करके। विलोम शब्द में ये मिडिल वाला पूरा लर्न करना है। बस आपके बच्चों को इसी तरीके से ये सारी चीज़ें कराइए। सेकंड टर्मिनल के लिए ये इनफ सिलेबस है और आप लोगों को बार बार ये सारी सिलेबस कंटिन्यूस मिले पूरे डिटेल में, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ सभी चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।